गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। पिछले काफ़ी लेक्चर्स में हमने अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया था। आज का ये लेक्चर आपका टेस्ट पेपर, जिसमें आपको इस टेस्ट पेपर के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसको भेज देना है। या तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, आपका ज्योग्राफी वाला जो ग्रुप है उसमें भेज दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप इसको मेल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का टेस्ट पेपर, इस टेस्ट पेपर में क्या खास है क्या खास नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये टेस्ट पेपर है BA पार्ट वन का। ठीक है, BA पार्ट फर्स्ट का टेस्ट पेपर है, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे कुछ प्रश्न दूंगा और एक बड़ा प्रश्न है, उस प्रश्न को आपको घर पर बैठ कर ही हल करना है। चाहे तो आप ओपन बुक के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप जितना भी अध्ययन आपने किया है अपने हिसाब से उसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, लेपिज क्या है? लेपिज क्या है? आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ है स्थलाकृतियों को, कौन सी स्थलाकृति लेपिज कहलाती है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, लेपिज क्या है? दूसरा प्रश्न है, ड्रमलिन से आप क्या समझते हैं? ड्रमलिन से आप क्या समझते हैं? ड्रमलिन क्या होता है उसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है कि ड्रमलिन क्या है और ये कहाँ बनती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बहुत आसान आसान प्रश्न है। इन प्रश्नों के आपको प्रश्नों के हल लिखने हैं और उसको सेंड कर देना है। ठीक है, ड्रमलिन से आप क्या समझते हैं, इसके बाद बहुत आसान प्रश्न है, अनाच्छादन, डेनिटेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, अनाच्छादन से क्या अभिप्राय है? अनाच्छादन से क्या अभिप्राय है? अनाच्छादन किसको कहते हैं, अनाच्छादन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में आपको बतलाना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, उसको आपको इतनी ही आसानी से कर लेना है। ठीक है, अनाच्छादन से आप क्या समझते हैं? फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक एक लाइन के उत्तर है इसके, 10 से 20 शब्दों में आप इसका उत्तर दे सकते हैं आसानी से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहाँ बैठना है आपको, देखिए इस पे आपको भेज देना है, ये मैंने लिख दिया है आपको, ज्योग्राफी विद रहमान सर, ये टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम पे आपको इसको सेंड कर देना है। टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम का यूज नहीं करते तो आप इस नंबर पर इसको सेंड कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर पहले ही बता दिया। ठीक है, आपका टेस्ट पेपर जरूर आना चाहिए, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी काबिलियत परखी जाएगी, उसके माध्यम से आप का लेवल देखा जाएगा किस लेवल के आप। ठीक है, अनाच्छादन से आप क्या समझते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्पाटन, उत्पाटन की क्रिया क्या है और कहां होती है? ठीक है, उत्पाटन की क्रिया क्या है और ये कहां होती है आपको बताना है। उत्पाटन किसे कहते हैं, मतलब सीधा सीधा प्रश्न का ये है, उत्पाटन किसे कहते हैं और ये कहां होती है। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है आपका,
पांचवा जो छोटे प्रश्न में पांचवा छोटा प्रश्न है, इसमें डेविस के, डेविस विद्वान है, डब्ल्यू एम डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, डेविस के त्रिकूट तीन चीजें बताई थी मैंने, से आप क्या समझते हैं? डेविस के त्रिकूट से आप क्या समझते हैं? इस तरीके से ये पांच प्रश्न हैं। पहला लेविस क्या है, दूसरा ड्रमलिन क्या है, तीसरा अनाच्छादन क्या है, पांचवा उत्पाटन क्या है, और उसके बाद है चौथा डेविस के त्रिकूट से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से पांच प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों के एक एक दो दो लाइन के उत्तर हैं। उन दो एक एक दो दो लाइन के उत्तर को आपको नोटबुक में लिखना है और इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको और छोटे छोटे प्रश्न लिखाता हूँ चार पांच, उसके भी उत्तर आपको दे दें। अब ये तो आपके छोटे प्रश्न थे, अति लघुत्रात्मक जिसको कहते हैं। अब मैं आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न देऊंगा पांच, उसके जवाब भी आपको लिखने हैं। ऐसे जिस तरीके से ऑप्शनल होंगे वो, चलिए वो भी आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना, प्रक्रम, प्रोसेस और अवस्था, स्टेज किससे संबंधित है? संरचना, प्रक्रम और अवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें आर्थर होम्स, ऑप्शन नंबर बी है वाल्टर पेंट, ऑप्शन नंबर सी है डेविस और डी है डेली। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है? संरचना, प्रक्रम और अवस्था किससे संबंधित है? आर्थर होम्स से, पैंक से, डेली से, डेली से, इनमें से आपको एक चुनना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर दो है। प्रश्न नंबर दो ये कहता है कि भू संतुलन संबंधी, लिखिए भू संतुलन जो सिद्धांत था उसमें पारे के पात्र का, पारे के पात्र का उपयोग किसने किया? भूसंतुलन संबंधी जो अवधारणा थी उस अवधारणा में पारे से भरे हुए पात्र का उपयोग किसने किया? नंबर ए एरी, नंबर दो ए, नंबर बी प्राग, सी जोली और डी इनमें से कोई नहीं। पारे से भरे हुए पात्र का उपयोग किसने किया था उसको आपको बताना है। एरी ने किया था, प्राट ने किया था, जोली ने किया था, या इनमें से किसी ने भी नहीं किया। और अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न है, वो प्रश्न ये है आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, इसके जनक कौन है? भौतिक भूगोल के पापा जी कौन है? ऑप्शन नंबर ए है
हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी है रेड लेक। ऑप्शन नंबर सी है थिकेटियस। ऑप्शन नंबर डी है पोसिडोनियस। भूगोल यानी कि भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के जन्मदाता कौन है, फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत किसने की थी, किनको जनक माना जाता है, हम्बोल्ट को, रेटजेल को, हिकेटियस को या फिर पोसिडोनियस को, इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तीन प्रश्न ये हुए, इसके बाद दो प्रश्न और है हमारे पास जो ऑप्शनल है उसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, बता देता हूँ मैं सब। देखिए चौथा है मोहो, मोहो सोविस। ठीक है, मोहो सोविस है मोहो असंबद्धता, मोहो सोविस डिस्कंटिन्यूटी। पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए है क्रस्ट मेंटल के बीच में, बी है ऊपरी क्रस्ट निचला मेंटल, सी है ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, और डी है मेंटल और क्रोन। इनमें से किसके बीच में पाई जाती है मोहो सोविक असंबद्धता, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है क्रस्ट और मेंटल, बी है ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, सी है ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, और डी है मेंटल और क्रोन के बीच। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर पांच रोश मुटाने भेड़ पीठ सीरी का जिसको कहते हैं रोश मुटाने किस प्रकार के स्थल, किस प्रकार की स्थला करती है रोश मुटाने किस प्रकार की स्थला करती है। ऑप्शन नंबर ए लिखिए इसमें अपरतनात्मक, ऑप्शन नंबर बी लिखिए निक्षेपणात्मक, सी लिखिए अनाच्छादन युक्त, डी उपर्युक्त शब्द। ठीक है, तो ये पांच और वो पांच कुल मिला के 10 प्रश्न हुए। इसके बाद एक प्रश्न और है जो निबंधात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है यानी कि बड़ा प्रश्न है, वो बड़ा प्रश्न आपको करना है। बहुत आसान प्रश्न दिया हूँ मैं आपको, बड़ा प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 11 कह दीजिए इसको, या जो भी आप कह सकते हैं सेकेंड भी कह सकते हैं इसको, वो फर्स्ट वाला था सेकेंड वाला। ठीक है, इसमें लिखना है आपको
कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या की। कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत की क्या करनी है आपको व्याख्या। इस तरीके से ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका। ये आपका पेपर है जो आपको प्रश्न हल करके देना है। कहाँ देना है? ज्योग्राफी विद रहमान सर, ये टेलीग्राम आईडी है, और 8104152712 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको अपना नाम और क्लास का नाम उसमें शामिल करना है। ठीक है, नाम और क्लास का नाम। ठीक है, कक्षा तो आपको लिखी देनी है BA फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आज का ये टेस्ट पेपर आपके समझ में आया होगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।